दोस्तों, करौंदे का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। आप सब में से किस किस ने करौंदा खाया, सब्जी, अचार, चटनी वगैरह बनाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज मैं आपको करौंदे के बहुत सारे फायदे बता रहा हूं, जिनको जानकर आपको करौंदे खाने का और भी ज्यादा मजा आने लग जाएगा। तो चलिए जानते हैं करौंदे के हमारी हेल्थ के लिए क्या क्या फायदे बताए गए आयुर्वेद में। तो ये जो करौंदा होता है, ये इसको आयुर्वेद में विष नाशक कहा गया है। यानी हम जो शरीर में हमारे जितना भी खाते पीते हैं, बाहर के पॉल्यूशन से जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में बनते हैं, क्योंकि हम सारी जो चीजें खा रहे हैं वो सब आजकल केमिकल, आप सभी जानते हैं, तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन या जहर या विष बनाते हैं, तो उस विष को निकालना बहुत जरूरी होता है। और ये काम करौंदा बखूबी करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। आयुर्वेद ने इसको विष नाशक कहा गया है। तो आप जब इसको करौंदे को खाते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में से विष को ये बाहर निकाल करके प्यूरिफाई कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है बॉडी को, जिससे हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो जाती है। ये खास काम है करौंदे का। तो इसलिए करौंदा सीजन में जब भी आता है उसको जरूर खाना चाहिए। कफ की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाता है, लेकिन पित्त को ये कम करता है। खट्टा होते हुए भी पित्त को कम करता है करौंदा। ये इसकी खास बात है करौंदे की। अब जो हमारे दांत होते हैं, सबसे कम अगर हम किसी हमारे शरीर के किसी अंग की अगर सबसे कम केयर करते हैं, तो वो होते हैं दांत। और दांतों के लिए ये करौंदा जो होता है बहुत ही कमाल की औषधि बताई है आयुर्वेद के अंदर। जितनी भी कैविटीज हो जाती है, आजकल कैविटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दांतों में कैविटी हो जाती है, दांतों में छेद हो जाते हैं, फिर आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, तो ये जो दांतों की समस्या होती है उसको ये ठीक कर देता है करौंदा। कैविटी नहीं होने देता, होती है तो उसको सही करता है। गम्स जो होते हैं, हमारे मसूड़े जो होते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है या ढीले हो जाते हैं, तो उसको भी ये ठीक करता है करौंदा। इतने कमाल की चीज है। तो करौंदा जब भी आता है तो आपको जरूर खाना चाहिए। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने क्या कहा कि जो भी हमारे मुंह के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये खत्म कर देता है करौंदा, और खत्म करके हमारी मुंह की हाइजीन को बना के रखता है। मुंह में कोई समस्या पैदा नहीं होने देता है दांतों की और मसूड़ों की। अब इसको यूज कैसे करना है, आपको आयुर्वेद ने क्या कहा कि करौंदे को कैसे यूज करें दांतों को सही रखने के लिए, तो इसकी जो चटनी होती है बना करके करौंदे की, वो आपको खानी चाहिए। करौंदे की चटनी जो खाएंगे अगर आप बना करके, आपके दांतों और मसूड़ों की सारी समस्याओं को खत्म कर देती है। इतना आसान सा उपाय है, इसलिए करौंदे की चटनी बनाकर जरूर खाएं दांतों की समस्या के लिए। अब हमारा जो पेट होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके लिए भी करौंदा अमृत है। जो हमारा मल होता है, आंतों के अंदर मल चिपका होता है, बहुत पुरानों को पता नहीं लगता, अंदर घुस के कोई नहीं देख सकता, तो उस मल को चिपके आंतों में चिपके हुए मल को बाहर निकाल देता है धो धो करके। ऐसा बढ़िया काम करता है ये। और जो मल चिपका होता है उसकी वजह से हमको कई समस्याएं पैदा हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, गैस हो जाती है, और भी कई समस्या हो जाती है, खाना ठीक से नहीं पचता, एसिडिटी की समस्या हो जाती है, उन सबको ये खत्म कर देता है। और इसके अलावा दस्त को भी सही करता है। मल को तो बाहर निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत तेजी से बाहर निकालने लग जाएगा दस्त हो जाए, नहीं, दस्त अगर आपको हो जाता है तो दस्त को भी सही करता है। मतलब कब्ज को सही कर देगा और दस्त को सही कर देगा, मतलब आपके मल की जो क्वांटिटी है उसको नॉर्मल कर देगा, हेल्दी कर देगा आपको। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी ये बात कही कि इसके अंदर हाई फाइबर होता है, फाइबर बहुत ज्यादा होता है, और फाइबर जो होता है हमारी आंतों के अंदर जो भी भोजन होता है, जो भी मल होता है, उसको आगे खिसकाने के लिए, धकेल करके आगे खिसकाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और ये हमारे करौंदे में बहुत होता है। तो ये हमारे मल को बाहर निकाल देता है, धकेल धकेल करके हमारी बॉडी को सही करता है, हमारी आंतों को साफ कर देता है, हमारी बॉडी को सही करता है, हेल्दी करता है। यूज कैसे करना है इसको डाइजेशन के लिए, पेट के लिए, तो पेट की कोई ऐसी समस्या अगर आपको हो जाती है, चाहे आपको दस्त हो गया हो, पेट में दर्द वगैरह हो गया हो, तो आपको क्या करना है, एसिडिटी हो गया, तो क्या करना है आपको, आपको लेना है सूखा हुआ करौंदा। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाता है आराम से, और उस सूखे हुए करौंदे का आप पाउडर बना लीजिए पीस करके। और ये जो पाउडर होता है, सूखे हुए करौंदे का पाउडर, इसको आपको लेना है, आधा चम्मच ले सकते हैं, और उस आधे चम्मच को शहद में मिला लीजिए या पानी में आप उसको मिला लीजिए, और उसको आप खा लीजिए या पानी मिला करके पी लीजिए इसको। तो आपकी पेट से जुड़ी हुई ये सारी समस्याएं करौंदा बिल्कुल सही कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है आपके डाइजेशन को। अब एक सवाल आता है कि क्या डायबिटीज के लिए फायदेमंद है करौंदा, तो बिल्कुल आयुर्वेद ये कहता है कि बिल्कुल हाँ, मधुमेह की जो समस्या होती है उसको ये ठीक करता है, उसको सही करता है, शुगर के लेवल को बिल्कुल नॉर्मल ले आता है ये करौंदा। 2015 में एक मॉडर्न मेडिकल साइंस की रिसर्च हुई, उस रिसर्च पेपर में कितनी बड़ी बात लिखी है कि ये एंटी डायबिटिक होता है करौंदा, यानी आपको डायबिटीज से बचाता है, और हो गई हो तो उसको रिवर्स करने में बहुत गजब की हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फेनॉल और फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि डायबिटीज को रिवर्स करने की ताकत रखते हैं। कैसे काम में लेना है इसको आपको, बहुत ही सिंपल सा तरीका है डायबिटीज के लिए। आपको मुट्ठी भर करौंदा रोजाना खाना है, आप कच्चा खा सकते हैं इसको,
इसके सब्जी या अचार बना के भी खा सकते हैं, तो ये सारा आपको फायदा मिल जाएगा। डायबिटीज के लिए आपकी शुगर लेवल जो होता है बॉडी में खून में नॉर्मल रहने लग जाएगा। इतने कमाल की चीजें करूंगा। अब जो थकान बहुत हो जाती है आजकल, आजकल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि थकान होने लग जाती है बहुत जल्दी, तो उस थकान को ये दूर कर देता है करौंदा। स्कर्वी रोग आपने सुना होगा एक होता है, और विटामिन सी की कमी हो जाती है बॉडी में, उसके कारण से थकान और मन खुश नहीं रहता, ऐसी बहुत सारी समस्या हो जाती है। तो चाहे आपका मन दुखी दुखी रहता है, मसल्स में कोई वीकनेस हो गई है, मसल कमजोरी रहती है मांसपेशियों में, हमारे जो मसूड़े होते हैं उसको मैंने अभी बताया कि कमजोरी हो गई या सूजन आ गई, दांत ढीले हो जाते हैं समय के साथ में, उसको ये सही करता है। स्किन हमारी कहीं से भी रेड हो जाए, रैशेज वगैरह हो जाए, उसको सही करता है। हमारे लीवर को ठीक करता है, और डाइजेशन अगर वीक हो गया तो उसको भी सही करता है करौंदा। इतने सारे काम कर देता है। इसमें मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कहा कि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए आप इसको जरूर खाना चाहिए। और विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी की हीलिंग बहुत तेजी से कर देता है। कोई भी डैमेज हो गया उसको बहुत तेजी से रिकवर करके हील कर देगा। अंदर रोजाना बहुत सारे डैमेज होते रहते हैं, उसको ठीक करता है और हमारे शरीर को इस तरह से ताकत देता है। यूज कैसे करना है, तो आप इसकी सब्जी बनाकर खाएं, इसका अचार बना के खाएं, इसके चटनी बनाकर खाएं, कैसे भी आप कंज्यूम करें इसको जरूर खाएं करौंदे को, तो ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। सारी थकान आपकी दूर हो जाएगी, वीकनेस दूर हो जाएगी। स्किन के लिए क्या काम करता है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जितनी भी इचिंग हो जाती है, खुजली हो जाती है शरीर में, उस इचिंग को ये ठीक करता है, खुजली को ठीक करता है। जलन होने लग जाती है, बहुत से लोगों को जलन हो जाती है जगह जगह पे स्किन पे, उसको ये ठीक करता है। फंगल इन्फेक्शन कोई भी हो गया वो कहीं भी स्किन पर, उसको ये सही करता है। ओपन पोर्स की समस्या हो जाती है, उसको ये ठीक करता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जब रिसर्च की करौंदे पे, तो ये पाया कि ये एंटी फंगल होता है, यानी फंगल जितने भी इन्फेक्शन होते हैं स्किन के ऊपर उसको ये खत्म कर देता है। इतने कमाल की चीज है। यूज कैसे करना है स्किन के लिए, आपको ध्यान से सुन लीजिए। आप करौंदे को खाइए, जैसे मैंने बताया मुट्ठी भर करौंदा आप खा सकते हैं, जूस जो बनाकर पी सकते हैं वो जूस पिए इसका, और इसके अलावा जो भी ऐसे खुजली या जलन वाली जगह हो गई, ओपन पोर्स हो गए या फंगल इन्फेक्शन हो गया, उस जगह पे आप करौंदे के फल को पीस लीजिए, और उसको पीस करके भी आप उस जगह पे लगा सकते हैं, तो आपको स्किन के सारी बीमारियों को सही कर देता है, बिल्कुल सही कर देता है, अच्छा कर देता है स्किन को। यूरिन की जो समस्या होती है, यूरिन सिस्टम की जो समस्याएं होती है उनको सही करता है करौंदा। आयुर्वेद ऐसा कहता है, मूत्र रोगों को सही करता है। फीमेल्स में खास करके एक समस्या बहुत होती है, वो है यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस यूरिन इन्फेक्शन को ये ठीक करता है करौंदा। और मॉडर्न मेडिकल साइंस ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो खराब बैक्टीरिया होता है जो कि यूरिन में जाकर के इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसको ई कोली एक नाम होता है, ऐसे कई नाम होते हैं आपने सुने होंगे, उसको ये खत्म कर देता है सारे बैड बैक्टीरिया उसको यूरिन में जाकर के, और हमारे यूरिन इन्फेक्शन को सही कर देता है। इतनी कमाल की बात है। यूज कैसे करना है अब इसके लिए, तो बहुत सिंपल सा है कि आप करौंदे का जूस बना के पिए। अगर आपको यूरिन की कोई समस्या इन्फेक्शन वगैरह है तो करौंदे का जूस बना करके पिए, उससे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी यूरिन की। या आप सूखा करौंदा खा सकते हैं, उससे भी आपकी ये यूरिन इन्फेक्शन की समस्या खत्म हो जाती है। अब ये बात आती है कि ये किन लोगों को नहीं खाना है करौंदा, तो जिनको भी आर्थराइटिस की समस्या है, गठिया की समस्या है, साइटिका की समस्या है और पेट में अल्सर की समस्या है, वो लोग इस करौंदे को नहीं खाएं, बाकी सभी लोग बड़े मजे से बड़े आराम से इस करौंदे को खा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे करौंदे के बहुत सारे फायदे जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।